दोस्तों, अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। कनाडा में बहुत सारे ड्राइवर जॉब्स निकल रहे हैं। लगभग 60,000 से ज्यादा आपको ड्राइवर रिलेटेड काम मिलेंगे। इसमें हर प्रकार के काम आ जाते हैं। आपको डिलीवरी बॉय का काम मिल सकता है, आपको कैब ड्राइवर का काम मिल सकता है, आपको पर्सनल ड्राइवर का मिल सकता है, वैन ड्राइवर का मिल सकता है, लोकल बस ड्राइवर्स भी रहते हैं और ट्रक ड्राइवर्स भी रहते हैं। आपको हर प्रकार का ड्राइविंग काम मिल सकता है घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने में इसमें आपको एजुकेशन भी बहुत कम चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी एजुकेशन 5th pass अबव है और आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है, आप थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन कर पाते हो तो आपके चांसेस है। और ये ऐसे काम है, अगर किसी इंप्लॉयर को आपकी प्रोफाइल समझ में आती है तो आपको बहुत जल्दी बुला लिया जाता है और आपको स्पॉन्सर भी किया जाता है। आपकी फ्लाइट की टिकट, रहना खाना सब कंपनी की तरफ से हो जाता है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ड्राइवर रिलेटेड ज्यादातर काम स्किल्स स्केर्सिटी में आते हैं, स्पेशली ट्रक ड्राइवर का काम। और वेयर हाउसेस में वैन ड्राइवर्स की भी जरूरत पड़ती है और बहुत सारे डिलीवरी रिलेटेड काम भी स्किल्स स्केर्सिटी में आते हैं। इसका मतलब ये कि आपको कनाडा में फास्ट ट्रैक प्रोसेस से भी जॉब मिल सकता है, जैसे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, ग्लोबल टैलेंट स्कीम्स या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा। ये तीनों प्रोसेसेस ऐसी है, इनमें आपको एज फास्ट एज 2 weeks में भी वर्क परमिट मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूं। तो गाइस, सबसे पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर आपको डिलीवरी बॉय के रूप में काम मिलता है तो आपकी सैलरी $20 to $40 पर आवर रहती है। अगर आपको कैब ड्राइवर या वैन ड्राइवर के रूप में काम मिलता है तो आपकी आवरली वेजेस $30 to $50 पर आवर तक हो सकती है। सेम वे अगर आपको ट्रक ड्राइवर के रूप में काम मिलता है तो आपकी वेजेस $30 to $80 पर आवर तक हो सकती है। ये सब डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अनुभव है, आप कितने स्मूथली चला पा रहे हो और आप कितने घंटे काम कर रहे हो। कनाडा में ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो चाहते हैं कि उनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिले जो एक पूरी टीम मेंटेन कर पाए। इसकी वजह से डिपेंडेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब गाइस, जब भी आपको कनाडा में ड्राइवर के रूप में काम चाहिए तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप इंडियन लाइसेंस से ट्राई करना चाहते हो तो आप सिर्फ डिलीवरी ड्राइवर के रूप में ही ट्राई कर सकते हो, मतलब टू व्हीलर्स वर्क। तो आप इलेक्ट्रिक बाइक या मोटरसाइकिल या स्कूटी ड्राइव कर सकते हो और इसके कंपेटेबल जो काम है वो है डिलीवरी ड्राइवर का काम। ऐसे डिलीवरी बॉय आप $25 per hour बहुत ही आराम से कमा सकते हो। इसमें भी डिपेंड करता है आप किस टाइम पे काम कर रहे हो। अगर आप पीक टाइम पे काम कर रहे हो तो आपकी वेजेस एस हाई एस $40 per hour भी हो सकती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे चीजें डिपेंड करती है, जैसे अगर आपकी खुद की बाइक है तो आपको ज्यादा कमाई होगी। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी अगर आपको बाइक प्रोवाइड कर रही है तो आपकी वेजेस कम होगी। आप जिस टाइम पे काम कर रहे हो उस टाइम के हिसाब से भी आपकी वेजेस कम ज्यादा होती है। जैसे अगर आप हॉलीडेज में काम करते हो या वीकेंड में काम करते हो या नाइट में काम करते हो तो आपको और ज्यादा कमाई होती है। और डिलीवरी ड्राइवर के काम में आपको टिप्स भी बहुत अच्छी मिलती है, तो टिप्स ही आपकी 20% एक्स्ट्रा हो जाती है आपकी सैलरी के अलावा, और जो आपको टिप्स मिलती है वो टैक्स फ्री रहती है। गाइस, डिलीवरी ड्राइवर के बहुत सारे वर्क निकलते रहते हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ जहाँ पे हमेशा ही वैकेंसीज रहती है, जैसे डोमिनोज पिज्जा, स्टारबक्स, फ्रेश सिटी फार्म्स, उबर ईट्स, द बुचर शॉप, कोस्टा कॉफी और प्रैक्टो। ये मैंने आपको कुछ एम्प्लॉयर्स बताए जो डिलीवरी ड्राइवर के रूप में फ्रिक्वेंटली हायर करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं 4-wheeler ड्राइविंग के बारे में। तो 4-wheeler में भी एक तो लाइट व्हीकल होता है, मीडियम व्हीकल होता है और हैवी व्हीकल होता है। तो हम मेनली कैब ड्राइविंग की बात करेंगे और ट्रक ड्राइविंग की बात करेंगे। तो गाइस, जब भी आपको ऐसे कैब ड्राइवर काम लेना रहता है तो आपको एक लेवल का लाइसेंस लगता है, लाइट व्हीकल का लाइसेंस। जब तक आपके पास कैनेडियन लाइसेंस नहीं है तब तक आपको 4-wheeler के रूप में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आप जब लाइसेंस ले लेते हो उसके बाद आपको हायर करते हैं, तो ये आपको एडवांटेज हो जाता है। पर आपको वही एम्प्लॉयर्स हायर करेंगे जिनको अर्जेंटली कोई लोग चाहिए। तो अगर आप अपनी कंट्री से ट्राई कर रहे हो तो आप पहले डिलीवरी ड्राइवर के रूप में ट्राई कीजिए, फिर आप 4-wheeler का लाइसेंस बनवा लीजिए, उसके बाद आप ऐसे कैब ड्राइवर या पर्सनल ड्राइवर काम कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी 4-wheeler ड्राइविंग का अच्छा एक्सपीरियंस है
तो आप डायरेक्टली भी ऐसे ड्राइवर ट्राई कर सकते हो। ऐसे ड्राइवर भी लिया जाता है आपकी कंट्री से। आपको बहुत लोग दिखेंगे कनाडा में जो दिल्ली से है, पंजाब से है, हरियाणा से है, जो ऐसे ट्रक ड्राइवर या फोर व्हीलर ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं ट्रक ड्राइवर के काम के बारे में। तो गाइस, जब भी आपको ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करना है तो आपको दो लेवल ऑफ लाइसेंस लगते हैं। पहले आपको लाइट व्हीकल का लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद आपको हैवी ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस लेना पड़ता है। ये जो ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस रहता है, ये क्लास 3 लाइसेंस हो सकता है या क्लास 1 लाइसेंस हो सकता है। जो क्लास 3 या क्लास डी लाइसेंस रहता है वो छोटे ट्रक्स के लिए रहता है, और क्लास ए लाइसेंस रहता है जो लॉन्ग ट्रेलर ट्रक्स रहते हैं या लॉन्ग हॉल ट्रक्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए रहता है। गाइस, सबसे बढ़िया बात यह है कि ट्रक ड्राइवर्स का हमेशा ही स्किल्स शॉर्टेज रहता है। इसकी वजह से आपको एम्प्लॉयर्स ट्रेनिंग देने को भी तैयार हो जाते हैं, और वो वेट करने को भी तैयार हो जाते हैं कि आप अपने दोनों लेवल ऑफ लाइसेंस ले लो, और ट्रेनिंग का खर्चा भी एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करने को रेडी हो जाता है। और यही रीजन है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज रहती है जब आप अपनी कंट्री से ट्राई करते हो। अब कुछ और चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे ट्रक ड्राइवर या फोर व्हीलर ड्राइवर के रूप में काम करना है तो आपकी एज 18 से 55 के बीच में होनी चाहिए, और आपको रोड टेस्ट पास करना पड़ता है, और आपको एक प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अब मैं आपको शॉर्ट कंक्लूजन बता देता हूँ। अगर आप अपनी कंट्री से ट्राई कर रहे हो तो आपको ऐसे डिलीवरी ड्राइवर ज्यादा आसानी से काम मिल सकता है, और आपको ऐसे ट्रक ड्राइवर भी काम मिल सकता है। अगर आपके पास ट्रकिंग का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है अपनी कंट्री का, तो आपको ऐसे ट्रक ड्राइवर भी ले लिया जाएगा, और आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको आपके लाइसेंस भी बनवाए जाएंगे। ऑब्वियसली लाइसेंस का टेस्ट तो आपको ही देना पड़ेगा। वंस यू गेट द लाइसेंस, उसके बाद अपना ट्रकिंग का काम आप चालू कर सकते हो। मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप पहले डिलीवरी ड्राइवर के रूप में ट्राई कीजिए, आपको जब काम मिल जाता है फिर आप साइड में अपने लाइसेंसिंग सारे ले लीजिए, उसके बाद आपको ऐसे ट्रक ड्राइवर बहुत ही आसानी से काम मिल जाता है। अब दोस्तों, सेकंड मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इंडिया से डायरेक्टली ट्रकिंग में ही जाना है तो आप और क्या कर सकते हो? तो गाइस, आपको लाइसेंसेस ऐसे टूरिस्ट वीजा भी मिल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप टूरिस्ट वीजा पे जा सकते हो, आप ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सकते हो, फिर आप ड्राइविंग टेस्ट दे के लाइसेंसेस ले सकते हो। आपको कनाडा में ऐसे बहुत सारे ट्रकिंग इंस्टीट्यूट मिलेंगे जो आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, और आपको जो ड्राइविंग का टेस्ट होता है उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। तो काफी लोग पूछते हैं कि हम कनाडा में डायरेक्टली ट्रक ड्राइवर का काम कर सकते हैं, तो यस, आप कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दी। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपको अपना PCC करवाना पड़ता है, दैट इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपको एक ट्रेवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपको अपने बैंक अकाउंट में सफिशियंट फंड भी बताना पड़ता है जो कि $2,000 एंड अबव होना चाहिए, उसके लिए आपको अपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट बतानी पड़ती है, आपको अपनी एक ट्रेवल आइटनिटी बतानी पड़ती है कि आप कहाँ पे रुकने वाले हो, आप किस फ्लाइट से जा रहे हो, वो सब कुछ आपको बताना पड़ता है। और अगर आप अपना CV अटैच कर देते हो तो और भी बेहतर रहता है। आप जितनी ज्यादा डिटेल्स दोगे उतना ही आपको इंटरव्यू में कम पूछा जाएगा। एम्बेसी के इंटरव्यूज लंबे तभी होते हैं जब उनको आपकी डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आते या उनको आपके डॉक्यूमेंट्स पे डाउट होता है। इसके अलावा तीसरा मेथड भी है दोस्तों ट्रकिंग का। अगर आपको जॉब चाहिए तो शास्केजवान में एक लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर का प्रोजेक्ट चलता है, उसमें आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है और आपको रहने और खाने की भी व्यवस्था कंपनी की तरफ से ही हो जाती है। पर उसमें भी एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपको एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफर रहना चाहिए। उसमें आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं कि आपको PR भी बहुत जल्दी मिल जाती है, और आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से एक्सटर्नल सपोर्ट्स भी मिलते हैं। आप अगर कहीं पर भी अटक रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत उसमें भी नहीं आती है। दोस्तों, कनाडा में एक एम्प्लॉयर $60,000 ईयरली कमा लेता है, जो कि इंडियन करेंसी में 37 लाख से ज्यादा हो जाता है। तो इतनी अच्छी आपको वेजेस मिलती है। इसी वजह से पंजाब से बहुत सारे लोग जाते हैं और ऐसे ट्रक ड्राइवर काम करते हैं। और क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, तो ऐसे ट्रक ड्राइवर आपको PR भी जल्दी मिल सकती है। तो गाइस, रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले आपको बताई थी, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एजुकेशन 5th pass एंड अबव होनी चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन कर पाओ, भले टूटी फूटी लैंग्वेज में ही कर पाओ लेकिन कर पाओ। आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के जॉब्स लगते हैं ऐसे ट्रक ड्राइवर, ऐसे डिलीवरी ड्राइवर और ऐसे कैब ड्राइवर।
गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको रोज 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 15-20 जगह पे अगर आप रेगुलरली अप्लाई करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप अच्छी क्वालिटी के सीवी एंड कवर लेटर से ट्राई करते हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी रहता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के सीवी एंड कवर लेटर से नहीं ट्राई करते हो, आपकी प्रोफेशनलिज्म उनको नहीं दिखती है, आपका सीवी अगर कीवर्ड फ्रेंडली नहीं है तो वो एचआर की नजर में पहुंचता ही नहीं है, तो आप एचआर की नजर में पहुंचने से पहले ही रिजेक्टेड हो जाते हो। इसलिए आपको एक इंटरनेशनल सीवी की जरूरत है जो कि अच्छी क्वालिटी का बनाओ। अगर आपको मुझसे कोई पेड सर्विसेज चाहिए, जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी, अब आपको अप्लाई कैसे करना है। अब मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके दिखाता हूँ कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। हेलो गाइस, मैं अभी आपको कनाडा के जॉब बैंक का एग्जांपल बता रहा हूँ। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एडवांस में जाना है, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और कैनेडियन एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स का आपको चेकमार्क कर देना है। इसके अलावा आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो। अभी मैं आपको नो एक्सपीरियंस वाले कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने स्क्रॉल अप किया, व्यू पे क्लिक किया। अब गाइस आपको जितने भी जॉब्स दिख रहे हैं, ये सारे आपको वैसे जॉब दिख रहे हैं जो आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारे लीनिया अप्रूव जॉब है। आप देख सकते हैं फूड काउंटर अटेंडेंट, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर। लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर आप देख सकते हो ISTE लॉजिस्टिक्स INC में, राइट। अभी इसमें आप सैलरी देख सकते हो 26 से 27.5 डॉलर पर आवर, और ये ओंटारियो का काम है। अब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 26 से 27.5 डॉलर पर आवर है, और यहाँ के वर्किंग आवर्स है 35 से 40 आवर्स पर वीक। ये परमानेंट काम है और फुल टाइम काम है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, मतलब ये अर्जेंट हायरिंग वाले काम है सारे। यहाँ पे आपको 10 वैकेंसीज है टोटल। यहाँ पे आपको शिफ्ट्स भी रहती है, डे शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है और नाइट शिफ्ट है। फ्लेक्सिबल आवर्स रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग की भी शिफ्ट मिलेगी आपको। फिर जॉब बैंक की आप ID भी देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन बोली है कि आपकी सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, 10th pass and above। एक्सपीरियंस हो तो बेहतर है, फ्रेशर्स को भी लिया जाता है। अब हम टास्क समझ लेते हैं। ड्राइवर एज ए पार्ट ऑफ 2% टीम और कोवे, मतलब जहां पर भी आप ड्राइविंग के लिए जाओगे तो 2 लोगों की टीम रहेगी, मतलब लंबे डिस्टेंस की ड्राइविंग है। आधे टाइम आप चलाओगे, आधे टाइम आपका पार्टनर चलाएगा। लोड एंड अनलोड गुड्स, सामान को उठा के अनलोड भी करना है और जहां से आपको सामान पिकअप करना है वहां से सामान लोड भी करना है। ऑपरेट एंड ड्राइव स्ट्रेट एंड आर्टिकुलेट ट्रक्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड मटेरियल्स, मतलब आपको स्ट्रेटली ड्राइव करना है और अच्छे से ड्राइव करना है। ओवरसी कंडीशन ऑफ व्हीकल, इंस्पेक्ट टायर्स, लाइट्स, ब्रेक्स, कोल्ड स्टोरेज एंड अदर इक्विपमेंट्स, मतलब ट्रक की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आप ही की रहती है। हर चीज आपको देखनी पड़ती है, टायर्स, लाइट्स, ब्रेक्स, कोल्ड स्टोरेज, हर चीज। फिर परफॉर्म ब्रेक एडजस्टमेंट्स, मतलब अगर ब्रेक कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसका एडजस्टमेंट करना भी आपको आना चाहिए। परफॉर्म इमरजेंसी रोड साइड रिपेयर्स, मतलब आपको रिपेयरिंग की भी थोड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो कभी मान लो कि अनएक्सपेक्टेडली ट्रक खराब हो जाता है तो आपको इमरजेंसी रिपेयर्स भी करने पड़ सकते हैं। परफॉर्म प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, आपको ट्रक को मेंटेन करके रखना है और उसको इस तरीके से मेंटेन करना है कि हमेशा वो प्रिवेंटिव वे में ही रहे, मतलब उसमें ज्यादा दिक्कत कभी भी ना आए। रिकॉर्ड कार्गो इन्फॉर्मेशन, आवर्स ऑफ सर्विस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड फ्यूल कंजम्पशन, आप जिस कार्गो से जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। फिर कितने घंटे आप काम किए वो आपको लॉग करना है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए वो भी आपको लॉग करना है, कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ वो भी आपको लॉग करना है। टारपिंग एंड इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कार्गो, मतलब आपको कार्गो की सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। फिर हम क्रेडेंशियल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेन क्रेडेंशियल रहेगा कि आपको एक आपके पास ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि ये क्लास A लाइसेंस या क्लास 1 लाइसेंस। ज्यादातर एम्प्लॉयर आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग देती है जो भी कंपनी आपको हायर करती है, उसके बाद आपको जब लाइसेंस आ जाता है फिर आप काम पे लग जाते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे लिखा हो अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट, मतलब ये आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करोगे, शो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके। अब मैं आपको कुछ डिलीवरी ड्राइवर के एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जैसे मोमेंटम डिलीवरी में डिलीवरी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, कॉल ए बियर में जरूरत है, अजूनी एक्सप्रेस डिलीवरी में जरूरत है, ग्रीली हॉट पिज्जेरिया में जरूरत है, लियोन्स में जरूरत है, ग्रेको पिज्जा में जरूरत है, लिटिल ग्रीक रेस्टोरेंट में जरूरत है। आप वेजेस भी देख सकते हो, जनरली आपकी वेजेस 20 से 25 डॉलर होती है।
बोस्टन पिज्जा में जरूरत है, आप इस तरीके से देख सकते हो, बहुत सारी जगह पे जरूरत है, इजी होम में जरूरत है। और ये आपको जो भी जॉब्स दिख रही है हर एक अलग अलग प्रोविंस में है, जैसे ये नोवा स्कोशिया में, ये सास्केचवान में है, आप बोस्टन पिज्जा का जो काम है वो अल्बर्टा का है, फिर डिलीवरी ड्राइवर का ये काम है फेरांडिना फूड्स में, ये पिकरिंग ओंटारियो में है। इस तरीके से आपको बहुत सारे काम मिलते हैं। तो गाइस जैसे आपने देखा इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है। आपको अप्लाई करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का CVN कवर लेटर चाहिए और आपको रेगुलरली अप्लाई करना है, उसमें आपको रिजल्ट मिल जाता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 6 महीने लग ही जाएंगे आपको जॉब मिलने में, क्योंकि कोई भी इम्प्लॉयर जिसके पास आप अपना CVN कवर लेटर भेजते हो, अपनी जॉब प्रोफाइल भेजते हो, जरूरी नहीं है कि वो आपको इमीडिएटली रिप्लाई कर दे। हो सकता है वो आपको 1-2 हफ्ते बाद रिप्लाई करे, हो सकता है 1 महीने बाद रिप्लाई करे। आपको तभी अप्रोच करते हैं जब उनके पास अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहती है, उनको जल्दी से कोई लोग चाहिए। एंड थैंकफुली ड्राइवर्स के जॉब में बहुत सारे कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ती है इंप्लॉयर्स को। कनाडा में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो $100,000 ईयरली कमा रहे हैं, मतलब 60-70 लाख पर ईयर। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, अगर आप शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए कनाडा जाना चाहते हो तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और अगर आप कनाडा में बसना चाहते हो तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो आपको अर्ली PR भी दे देती है। कनाडा में ऐसे बहुत सारे स्कीम्स चलते रहते हैं जिसमें आपको 1 से 2 साल में भी PR मिल सकती है, और काफी ऐसे भी प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें आपको जॉब मिलने के साथ भी PR मिल जाती है, जैसे न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। ऐसे ही और डिफरेंट प्लेसेस में भी ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे यूकॉन प्रोविंस में भी ऐसे प्रोग्राम्स है, अटलांटिक प्रोविंसेस में भी ऐसा प्रोग्राम है, क्वेबेक रीजन में भी ऐसे प्रोग्राम रहते हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम ID है limitlessmayank01। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।